दुनिया के महान फुटबॉलरों में शुमार अर्जेंटीना के स्टार खिलाड़ी लियोनेल मेसी अभी तक अपने करियर में फीफा वर्ल्ड कप का खिताब नहीं जीत पाए हैं। हालांकि इस बार उनकी टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। ऐसे में पूरी उम्मीद जताई जा रही है कि मेसी इस बार विश्व कप का खिताब अपने नाम कर फुटबॉल से संन्यास की घोषणा कर देंगे। खुद अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कोलनी ने मेसी के संन्यास को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। स्कोलनी ने कहा कि जब तक वो खेल रहे हैं उनके साथ रहना काफी रोमांचक है। अर्जेंटीना के कोच लियोनेल स्कोलनी ने मेसी के रिटायरमेंट को लेकर बयान देते हुए कहा कि उम्मीद है 7 बार के बैलेंडियोर विजेता लियोनेल मेसी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल खेलना जारी रखेंगे। देखते हैं वो खेलना जारी रखते हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल हम उनके होने का लुत्फ उठा रहे हैं। यह हमारे लिए सबसे अच्छी चीज है जो फुटबॉल जगत में हो सकती है। आपको बता दें कि मेसी अब तक इस वर्ल्ड कप में शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। उन्होंने नॉकआउट मैच में भी शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल दागा है। मेसी ने क्वार्टर फाइनल मैच में नीदरलैंड के खिलाफ गोल किया था। वहीं अब मेसी अपने विश्व कप करियर में 10 गोल करने वाले प्लेयर बन चुके हैं। फीफा वर्ल्ड कप 2022 में आज पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। पहले सेमीफाइनल में अर्जेंटीना का सामना क्रोएशिया से होगा। क्वार्टर फाइनल में एक तरफ क्रोएशिया ने ब्राजील को पेनाल्टी शूटआउट में हराया था, वहीं अर्जेंटीना की टीम ने नीदरलैंड को क्वार्टर फाइनल में हराया था। आपको बता दें कि भारतीय फैंस फीफा वर्ल्ड कप सेमीफाइनल मैच को जियो सिनेमा पर लाइव देख सकते हैं। अब ऐसे में हर फुटबॉल फैन यही चाहता है कि मेसी वर्ल्ड कप का ये खिताब अपने नाम करें, लेकिन ये जरूर नहीं चाहेगा कि वो इसके बाद फुटबॉल जगत से रिटायरमेंट ले ले, क्योंकि लियोनेल मेसी जैसे खिलाड़ी फुटबॉल जगत में काफी रेयर हैं और ऐसे लेजेंडरी प्लेयर को हर फुटबॉल फैन आगे भी खेलता हुआ देखना चाहता है। वैसे क्या आपको लगता है कि इस वर्ल्ड कप के बाद लियोनेल मेसी रिटायरमेंट ले लेंगे? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC24 के YouTube चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।